मार पेट के अंदर अगर बच्चा बीमार पड़ जाएगा तो आप समझ सकती हैं कि इसका प्रभाव कितना गंदा, कितना खतरनाक आपके बच्चे के ऊपर हो सकता है। आपके बच्चे की ग्रोथ रुक जाएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राची टिप्स एंड ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं मोर इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ। आपकी प्रेगनेंसी चल रही है तो इसमें आपको वो कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है, कौन सी चीज़ें आपको नहीं खानी है, क्योंकि हम लोगों को कुछ पता नहीं रहता है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, क्या खाएं क्या ना खाएं। तो मैं कुछ चीज़ें आपको जो बता रही हूँ वो आप ना खाएं। अगर आप वो खाती हैं तो इससे आपके बेबी को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है और आपका बेबी विकलांग हो सकता है, डिफेक्टेड हो सकता है। तो इसलिए इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और फिर चलते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के एंड तक ज़रूर रहना दोस्तों। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो लेडीज़ बाहर का खाना खाती हैं तो उन लोगों को प्रेगनेंसी में बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है, अवॉइड करना है। क्योंकि बाहर का खाना इतनी गंदगी तरह से, गंदी तरह से बनाया जाता है जो आपको बिल्कुल भी नहीं पता है किस तरह से बनाया जाता है। आपने मोबाइल में, फ़ोन्स में, और अगर आप कहीं स्ट्रीट फूड खाती हैं जाकर तो आपने वहाँ देखा होगा तो कितनी गंदगी से बनाते हैं। तो अगर वो सफाई भी रख रहे हैं तो भी वो किस तेल का यूज़ कर रहे हैं, किन मसालों का यूज़ कर रहे हैं, क्या एक्सपायरिंग जो मसाले होते हैं उनका यूज़ कर रहे हैं या तेल, ख़राब तेल का यूज़ कर रहे हैं, आपको तो इसमें कुछ भी नहीं पता है ना। आप तो स्वाद लेके उस चीज़ को खाते हैं, टेस्ट करते हैं, आपको अच्छा लगता है कि आप भर भर के खाते हैं और खाते हैं। तो इससे आपको तो दिक्कत नहीं होती है, आपके गर्भ में जो आप बेबी है उसको बहुत दिक्कत होती है। इससे बेबी को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, उसकी आँखों पे प्रभाव इस चीज़ का पड़ सकता है, आँखों का विकास का अच्छे से नहीं हो पाएगा, तो मतलब उसकी सुनने की क्षमता चली जाती है। तो आप इन सब तरह के जो फूड हैं, स्ट्रीट फूड्स हैं, आप इनको अवॉइड करें और प्रेगनेंसी में इन चीज़ों से दूर ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि आपने मतलब जो बाहर का स्ट्रीट फूड जो होता है उसमें कितने तीखे मसालों का यूज़ किया जाता है आपको पता भी नहीं रहता। ये एक्सपायरी जो मसाले हो जाते हैं उनका यूज़ करते हैं, एक्सपायरी सॉस वगैरह ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो मतलब भर भर के मसालों का ये लोग यूज़ करते हैं और हम लोग उनको टेस्ट ले लेके खुद खाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। क्योंकि प्रेगनेंसी में क्या होता है, टेस्ट जीभ का जो होता है वो चेंज होता है, तो हम लोग को ऐसा लगता है कि हाँ कुछ चटपटा मिल जाए, कुछ अच्छा मिल जाए, मतलब बार बार टेस्ट चेंज होता है तो हम लोग बाहर की चीज़ें मंगा मंगा खाते हैं, है ना। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ये जो बाहर की जो स्ट्रीट फूड्स हैं वो आपको प्रेगनेंसी में नहीं खाने हैं। इससे देखिए आपके बेबी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, आपका बेबी विकलांग हो सकता है, उसका नर्वस सिस्टम अच्छे से काम नहीं करेगा। मतलब आपने देखा होगा ना, कभी कभी आँखें बच्चों की टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, बिल्कुल मतलब वो अच्छे से विकास नहीं हो पाता है क्योंकि बच्चों को अच्छे से पोषण नहीं मिल पाता है, है ना। जो उनको चाहिए है पोषण, कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन, ये सारी चीज़ें जो चाहिए होती हैं वो कुछ भी मिल नहीं पाता है उनको। क्योंकि आप ये खाते हैं आपका टेस्ट चेंज होता है तो आप ये सब चीज़ें खाते हैं, तो उनको जब पोषण मिलेगा नहीं, उनका विकास अच्छे से नहीं होगा तो फिर उनका क्या होगा, यही होगा ना, विकलांग पैदा होंगे वो। फिर आप कहेंगे कि ये भगवान ने ऐसा दे दिया, भगवान ने वैसा दे दिया। तो इसमें हमारी भी 50% हमारी भी गलती होती है कि हम अपने प्रेगनेंसी में अच्छे अच्छे सप्लीमेंट नहीं लेते हैं, अच्छे से अपना ध्यान नहीं रखते हैं, तो हम लोगों को ऐसा देखने को मिलता है। तो आप अपनी प्रेगनेंसी में इस चीज़ का बेहद ध्यान रखें। अगर आपका कोई भी अच्छा खाने का मन है, टेस्ट चेंज होते रहते हैं प्रेगनेंसी में, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी रही है तो मुझे पता है कि टेस्ट चेंज होते रहते हैं, तो आप घर पे बना के खाइए, बाहर का नहीं खाइए। आपको अगर कोई स्वीट खानी है तो थोड़ा बहुत आप खा लीजिए। वैसे मेरी माने तो आप घर पे, कि घर पे सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं, आप घर पे अपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम मिर्च रखिए, कम नमक रखिए, है ना। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग घर पे बना सकते हैं, लेकिन बाहर जाके अपने शरीर को, अपने बेबी को
खराब मत कीजिए। मैं आपसे यही निवेदन करती हूँ कि आप अपने बेबी का प्रेगनेंसी में ख्याल रखिए, ठीक है। तो नंबर वन चीज़ तो मैंने आपको ये बता दी है। अब नंबर टू, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको अगर आप प्रेगनेंसी में खाती हैं, इससे भी आपके बेबी को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। विकलांग हो सकता है बच्चा आपका, अच्छे से उसे पोषण नहीं मिल सकता। तो क्या, कौन सी चीज़ है वो? तो वो दूसरी चीज़ है कैफीन। आप प्रेगनेंसी में ज़्यादा मात्रा में अगर कैफीन का सेवन करते हैं तो इससे भी आपके बच्चे पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ये तो आपको डॉक्टर भी मना करता है कि प्रेगनेंसी में ज़्यादा कैफीन का सेवन नहीं करना चाहिए, है ना। तो आप अगर चॉकलेट्स खूब खाती हैं, चाय पीती हैं, कॉफ़ीज़ पीती हैं, तो ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। इससे भी बेबी पे बहुत गंदा इफेक्ट पड़ता है। चाय बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। मैं आपको ये सजेस्ट, मैंने अपने लास्ट वीडियोस में भी आपको बताया है कि चाय तो आपको पीनी ही नहीं है, कैफीन का सेवन आपको ज़्यादा करना ही नहीं है। अगर आपको ज़्यादा टेस्ट, ज़्यादा आपका मन करता है, तो आप एक कप चाय दिन, पूरे दिन में एक बार ले सकती हैं, वो भी कम पत्ती में। कम पत्ती लगा के आप चाय ले सकती हैं जिसमें दूध की मात्रा ज़्यादा हो, चाय की पत्ती कम हो। और चॉकलेट्स भी आप बहुत कम खाइए अगर आपका मन करता है, तो भी आप इसे अवॉइड ही करिए, क्योंकि ये आपकी बेबी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अब नंबर तीसरे पे आता है वेजिटेबल्स। आप सोच रहे होंगे वेजिटेबल्स तो प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदा करती हैं, तो मैं वेजिटेबल्स में क्यों बता रही हूँ? तो वेजिटेबल्स मैं इसलिए बता रही हूँ कि मार्केट से वेजिटेबल्स आप लाते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि आप जल्दबाजी में उसको ऐसे ही रख देते हैं और आपका मन किया, आपने तुरंत निकाला और खा लिया, है ना। तो हम उसको वॉश नहीं करते हैं, धोते नहीं हैं। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ी मिस्टेक है हमारी, ये हमारी प्रेगनेंसी पे बहुत बड़ा इफेक्ट डाल सकती है, बहुत दिक्कत हो सकती है आपके बच्चे को। क्योंकि आपको ये बात पता होगी कि कहाँ से सब्जी आ रही है, और सब्जी पे ये लोग कीटनाशक जो दवा होती है कि सब्जियों में कीड़े ना लगे, इन सब को दूर करने के लिए वो सब्जियों पे दवा छिड़क देते हैं। तो इससे क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। कीड़ों के लिए तो होती ही है, कीड़ियों से बचाने के लिए ये लोग करते हैं, लेकिन इससे अगर हम लोग इनको बिना धोए खाते हैं तो इनसे हम लोगों को बहुत बीमारियाँ हो जाती हैं, और हम लोग को अगर बीमारी होगी तो बच्चे को बीमारी होगी, है ना। तो बच्चा अगर बीमार, पेट के अंदर अगर बच्चा बीमार पड़ जाएगा, तो आप समझ सकती हैं कि इसका प्रभाव कितना गंदा, कितना खतरनाक आपके बच्चे के ऊपर हो सकता है। आपके बच्चे की ग्रोथ रुक जाएगी। आप सब बच्चा, सब लोग चाहते हैं, सारी लेडीज चाहती हैं कि मेरा बच्चा सुंदर, हेल्दी हो, अच्छी ग्रोथ हो। तो आप इन सब तीनों चीज़ों को अगर आप अवॉइड करते हैं, है ना, अगर तीनों चीज़ों को आप अवॉइड करते हैं तो आपका बेबी तंदुरुस्त, हेल्दी रहेगा। अगर आप इन सब चीज़ों को अवॉइड करके अच्छे, मतलब जो इम्पोर्टेंट सप्लीमेंट जो होते हैं प्रेगनेंसी में लेने के लिए, तो आप वो चीज़ें अगर लेते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी काफ़ी अच्छी जाएगी, आपका बेबी काफ़ी हेल्दी होगा। तो आप कृपया करके ये जो तीन चीज़ें हैं, आप इनको प्रेगनेंसी में अवॉइड करिए। बाहर का स्ट्रीट फूड खाना बंद कर दीजिए। अगर आप अभी तक खाते हैं तो प्लीज़ इसको बंद कर दें, और आप कैफीन का सेवन बहुत कम कर दें, बहुत ही हद तक कम कर दें। और ये जो आप वेजिटेबल्स ले रहे हैं, इनको हमेशा अच्छे से वॉश करें। और हाँ, आपको वेजिटेबल्स जो होती हैं वो आपको जांच करके लेनी है, देख के लेनी है कि दवाई द्वारा, तो इंजेक्शन आपने देखा होगा कि इंजेक्शन द्वारा भी सब्जियों को बड़ा कर दिया जाता है। तो आप उन सब चीज़ों की पहचान, जैसे देसी चीज़ जो होती है, आप ज़्यादातर देसी चीज़ों का यूज़ करें। देसी सब्जी जो होती है उसका आप यूज़ करें। आप चाहें तो कहीं अच्छी जगह से आप सब्जियों को परचेस करें, लेकिन आप ऐसे लोगों से परचेस ना करें जो मतलब पुरानी पुरानी सब्जियां जो रख के बेचते हैं, आप सस्ते में मिल गई आप ले आए। तो ये सब चीज़ें आप अवॉइड करिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में 9 महीने आपको अपना बेहद ख्याल रखना है। एक गलती आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है, आपके बच्चे की ग्रोथ को बिगाड़ सकती है। तो प्लीज़ आप इन सब चीज़ों को अवॉइड ज़रूर करें, आप इन सब चीज़ों का बेहद ध्यान रखें। वीडियो मेरा अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और अगर आपके आसपास कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, मतलब शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, तो उसकी हेल्प हो सकेगी। अगर कोई अकेला रहता है तो आप मेरी चैनल को उसको शेयर करिए, तो वो मेरी वीडियो को वॉच कर पाएगी और उसको
बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो मिलती हूँ ऐसे ही एक हेल्पफुल अदर हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू गाइस।